Welcome back to Hermes SD Gaming. Today we are going to play Minecraft. So guys, हमने last episode में हमारा hotel अंदर से बनाया था और आज हम बनाने जा रहे हैं एक bank. मैंने सोचा हमारी इतनी बड़ी city है और इसके अंदर एक bank भी नहीं है और मैंने सोचा हमारा bank इधर बनेगा, बिल्कुल ही हमारे hotel के पीछे. I think यहाँ पर अभी हमको पहले फ्लोर के लिए एरिया क्लीन करना पड़ेगा. तो मैं आपको एक बार मार्जिन निकाल कर बता देता हूँ हमको कितना बड़ा एरिया चाहिए. ये बैंक होगा 2 फ्लोर का. इतना रखेंगे इधर से ऐसा. अब इस मार्जिन के अंदर अंदर मैं सब सारा आपको क्लीन कर कर मिलता हूँ. सो गाइस, मैंने ये इतना एरिया क्लीन कर लिया. हम तो बनाएंगे इतना ही पर ये ऑड सा लग रहा था इतना एरिया, तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया. तो अब हम बनाएंगे हमारी फ्लोर और उसको उसका कलर होगा ब्लैक और इसलिए मैं चूज़ करूँगा ये नेदर एप्लिक. और गाइस, मैं आपको ये सारा फिल कर कर मिलता हूँ. गाइस, मैं आपको इसलिए सारा प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. सो गाइस, मैं आपको ऐसे फिल कर कर मिलता हूँ. सो गाइस, मैंने अभी यहाँ पर इतना एरिया हमारा बना लिया है. अभी मैं लूँगा पिलर क्वार्ट्स और अभी यहाँ पर लगाऊँगा 1, 2, 3, 4 और 5. यहाँ पर 3 ब्लॉक्स का गैप छोड़कर 1, 2, 3 और यहाँ पर एक 1, 2, 1, 2, 3 और यहाँ पर एक 1, 2, 3 और एक यहाँ पर 1, 2, 3 और एक यहाँ पर. ऐसे हमको क्वार्ट्स से ये पिलर स्टैंड करने हैं. 1, 2, 3, 4 और एक और रह गया और ये हो गए 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ये बड़ा हो गया. सो अब हमको लेनी है स्टेयर्स. आप यहाँ पर जैसे मैंने ये पिलर क्वार्ट्स लगाए हैं, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं. और अब मुझको ऐसे करना है स्टेयर्स को. नहीं, गलत हो गई. ये स्टेयर्स को ऐसे मोड़ देना है जैसे कि एक जो बैंक में नहीं होते. अरे ये गलत हो गया बीच वाला. हाँ अभी ठीक है. तो ये भी गलत है. व्हाट द फक. सो गाइस, मैं आपको ये बनाकर मिलता हूँ. सो गाइस, यहाँ पर ये ऐसे पिलर बन चुके हैं और मैं अभी लूँगा क्वार्ट्स. क्वार्ट्स लेकर अभी हम इसके ये जो बीच में ब्लॉक इसको फिल करेंगे ऐसे. हम इसको ऐसे फिल कर देंगे
इसे फिल कर ऐसे छोड़ देंगे। और अब हमको यहाँ पर वॉल्स क्लिक करनी है, वॉल्स बनानी है। मैं आपको वॉल्स बनाकर मिलता हूँ। सो गाइस, अब मैंने इसके सराउंडिंग वॉल्स खड़ी कर दी है। वॉल्स इसके सराउंडिंग आप देख सकते हैं खड़ी हो चुकी हैं। और अब हमको करना क्या है, अब हमको इसकी छत डालनी है। अब मैं आपको इसकी छत डाल कर मिलता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने इसकी छत भी डाल दी है। अब हमको इसकी डेकोरेशन करनी है। अब हमको इसको बैंक की तरह शो करना है कि ये अभी बैंक है। हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ऐसी एक वॉल खड़ी करनी पड़ेगी। और इधर 3 ब्लॉक छोड़कर सेम टू सेम जैसा वो था एक और पिलर बनाना पड़ेगा। पिलर ऑफ क्वार्ट्स लेते हैं हम। थ्री छोड़ कर 1 2 3 थ्री और हमको फिर से वॉट्स से स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। और हमको सेम टू सेम वैसा ही करना पड़ेगा। मैं आपको इसका बेस बनाकर मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं ये बनाऊंगा, ये तो मैंने बना लिया। और साथ ही साथ मैंने ऐसा बनाया है जैसे रियल बैंक में होता है। ये मैंने इसका सेंटर टूट कर फिर बनाया है। अगर आप चाहें तो ऐसा टॉप रूफ बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो मत बनाइए। अब आपको इसके सराउंडिंग वॉल्स खड़ी करनी है। हम वॉल्स इधर से खड़ी करेंगे ऐसे, इसकी जरूरत नहीं। ऐसे वॉल्स खड़ी करेंगे और इसको जैसे इसका रूफ है वैसे इसकी छत बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इसकी छत बनेगी, देखिए। सो गाइस, मैं आपको इसकी वॉल और इसकी छत इसकी रूफ बना कर मिलता हूँ। सो गाइस, हमारी रूफ और वॉल भी निकल चुकी है। अब हमारा बैंक बन चुका है और मैंने आगे एक छोटा सा लोगो भी बनाया है ताकि हमारा बैंक लगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा बैंक ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। और चलो अंदर का टूर देता हूँ। अंदर अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। और एक यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हैं जो किसी को भी ना दिखें। इधर एक और ब्लॉक लगा देते हैं हम, यहाँ से किसी को भी नहीं पता चल सकता कि यहाँ पर क्या है पीछे। यहाँ पर पीछे है सीढ़ियाँ जो ऊपर वाली फ्लोर पर आती है। और यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी स्टोरेज। चलो हम अभी स्टोरेज बनाते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे हमारी चेस्ट, ये रही चेस्ट, और इसको लगाएंगे हम। चलो लगाते हैं, ये देख सकते हैं हमारी स्टोरेज बन चुकी है। अब हमारी स्टोरेज बस बन चुकी है। और अब हम इधर एक डेकोरेशन करते हैं, बाद में करेंगे। इधर तो हम पहले नीचे का साइड बनाते हैं जहाँ पर अकाउंटेंट होंगे। हम ऐसा करते हैं, इधर
चार, इधर तक हम ऐसे पिलर ऑफ क्वार्ट्स लगा देते हैं। हमारी अभी ये हो गया, हमको पीछे भी सेम टू सेम वॉल निकालनी है फोर्थ ब्लॉक्स की। एक और ब्लॉक निकाल लेते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। ये तो हम वॉल खड़ी करेंगे ही ऐसे सीधा सीधा। बट हम बीच में भी स्पेस एक ब्लॉक छोड़कर ऐसे लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा काउंटेड करो। और इधर से हम बनाएंगे इसका रास्ता और तो ये तो सारी वॉली तोड़नी पड़ेगी। हाँ अब इधर से आएगा काउंटेड, नहीं अगर कर पटक